कि मेरे को टैक्स सिस्टम से खुंदक है हिंदुस्तान के, जेन्युइन खुंदक है, ठीक है। आज ये खुंदक निकाली भी आपने सोशल मीडिया पे? नहीं, वो यार वो तो खुंदक है, वो तो मतलब ब्लेटेंट बेवकूफ़ी है, जिसको मैंने बोला है कि बेवकूफ़ी है। अब जो है सो है। अब क्या है कि कुछ लोग इंग्लिश में बोल देते हैं फूलिशनेस, मैं हिंदी में बोलता हूँ बेवकूफ़ी, राइट, तो लोगों को चुप जाती है। बट सी, हिंदुस्तान जैसी जगह में आप 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%, राइट, आई एम सेइंग लेट्स से पीपल सिटिंग इन द रूम वुड बी पेइंग मार्जिनल टैक्स रेट 30 से 40% तो दे रहे हैं, राइट। कैपिटल गेन पे 28% देते हो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, ठीक है भाई साहब। आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, ठीक है, और आपके सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो। हो सकता है आपके घर के बाहर की जो क्या बोलते हैं उसको, लैम्प पोस्ट है, उस पर लाइट जल रही है ना, उसका बिल नहीं दे रहे हो आप डायरेक्टली। बाकी आप हाईवे भी पकड़ रहे हो तो आप टोल कट रहा है, वो ठीक है ऑटोमेटिकली कट रहा है, तो इतना पेज नहीं हो रहा। जब जेब से पैसे निकलते थे तब पता लगता था, अभी कुछ टोल कटते हैं ना जो 320 रुपये के, जब 320 रुपये देने जाओ ना तब बंदा हिसाब लगाता है, यार 300 किलोमीटर भी नहीं है, तो मतलब 1 रुपये पर किलोमीटर तो मेरा ऐसा ऐड हो गया, राइट। तो जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात के लिए, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए, ठीक है, और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। और मतलब अब जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, बड़ो शाना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो TDS कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका। तो टैक्स इज, इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% GST, ठीक है, तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया, ठीक है, तो मतलब जी किसके लिए रहे हो। अगर आज शाम को कोई समुंदर में कूदा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ठीक है, ज्यादा दिल पे मत ले लेना, बट मेरे को बहुत चुभता है टैक्स मेरे। एंड फिर दूसरा क्या है, अब जब यार तुम इतना कर रहे हो, हर बिजनेसमैन बोलता है ठीक है बचा लूँ मैं, यहाँ पे कुछ यहाँ बचा लूँ, कुछ वहाँ बचा लूँ, ठीक है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा वहाँ से, ठीक है ना, उसने मेट्रो में जाना है, उसने मर्सिडीज खरीदनी है, उस पर भी 104% टैक्स दिया हुआ होगा, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट का व्यू बन जाता है यार ये बिजनेसमैन ना चोर है, ठीक, तो वो एक पेरेनियल नेगेटिव साइकिल है, बिजनेसमैन सरकार को गाली दे रहा है, सरकार उसको चोर बोल रही है, ठीक है, और देश चला बिजनेसमैन ही रहा है। मेरा व्यू सिंपल है इसमें भाई साहब, 20% टैक्स लो, 5% GST लो, सिंपल, कोई स्लैब नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई 7 लाख नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, वो फालतू की CA की नौकरियां आपने जस्टिफाई कर रखी हैं, कुछ नहीं होता भाई। तुम सिंपल बोल दो जी आपकी जितनी इनकम है उसमें 20% टैक्स लगेगा, आप कॉरपोरेट हो, LLC हो, यू नो SEZ में हो, इंडिविजुअल हो, 60 साल की उम्र के ऊपर हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा भाई, 20% टैक्स है, फ्लैट है, हिसाब लगा ले अपना कितने अंदर आए, कितने बाहर गए, कितने बच्चे, 20% देना है, ठीक है, एंड दैट शुड बी इट, राइट, लाइक इंडिया यू नो। बट द सरकारी बाबू सीटिंग हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू, उनको ये है, ये मेरे को ना 2 करोड़ हिंदुस्तानी मिले, इनको इनसे निकाल लो साला सब कुछ,
ठीक है, मतलब ये साला मर कैसे नहीं रहा अभी तक है? तो वो वहीं पे टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है यार, तू बेस बढ़ा ना। जब तुम बोलोगे, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके चीज होती है इकोनॉमिक्स में, आपने जब 20% टैक्स रेट कर दिया, जो 10 बंदे बोल रहे थे भाई मैं तो पैन भी नहीं बनवाऊंगा, है ऐसे लोग यहाँ पे जो आपसे बढ़िया लाइफ स्टाइल है, पैन भी नहीं है उनके पास, ठीक है, बोल रहे पकड़ ले जो पकड़ सकता है तो, ठीक है, जो बोल रहा है मैं पैन भी नहीं बनवाऊंगा, वो भी बोलेगा ठीक है यार 20 रुपए के लिए मैं क्यों चोरी करूंगा। बस इलास्टिसिटी ऑफ चोरी भी है उसमें, फैक्ट है। आप एक बिजनेसमैन को बैठ के बोल दो, किसी को दारू पिला दो, बिजनेसमैन को बोल दो यार तुम्हें कोई बात बता, 40% टैक्स कटता है तू चोरी करता है? हाँ जी करता है। 20% टैक्स कटेगा तू चोरी करेगा? बोल, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मैं 20% ही तो देना है इन सरकारी बाबू के मुंह, कौन लगेगा वो बचाने के लिए? 20% दे दूंगा, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि आपने टैक्स रेट 40 से 20 करा तो आपका टैक्स कलेक्शन आधा हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपने वो आधा, ये टैक्स रेट आधा करना ना, आपका टैक्स कलेक्शन डबल होने वाला है। अब इतनी सी सिंपल इकोनॉमिक्स यार, कोई 40 साल का लड़का क्यों समझा रहा है आपको? आपको समझ होनी चाहिए खुद, ठीक है। दूसरा, जीएसटी में भी यार एक सिंपल स्लैब रखो ना यार, 5% रख लो, 7% रख लो, इस पे 18 है, इस पे वो है, उस पे वो है। आधा टाइम तो बंदा वो HSN कोड ही ढूंढता रहता है भाई कि मेरा कौन से कोड के अंदर आएगा। करा के वैल्यू एड काम क्या करा रहे हो यार? मतलब बाकी देश में जाओ, 5% वैट है जी, 5% वैट है, ठीक है, आपको कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? फिर यहाँ पे बंदा बेच रहा होता है पेन, दिखा रहा होता है जी मैं तो टेक्सटाइल बेच रहा हूँ, ठीक है। सब लोग क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम बर्बाद हो रहा है ना। और ये नोट वोट तो मेरे को समझ ही नहीं आते भाई, मतलब नोट आपने खुद एक डिज़ाइन कर लिया है? नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, देखो मैं तो फिनटेक वाला हूँ, सब बंद कर दो साला। पर्सनली इफ यू आस्क मी, मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ना यार, मेरा मैक्सिमम एक्सपोजर फिनटेक सेगमेंट को है। अगर कैश ही नहीं होगा और सब कुछ अकाउंट से घूमेगा तो फिनटेक तो बूम करेगा, ठीक है। तो मेरा सेल्फिश पर्पस है, बट मतलब नोटिफिकेशन निकलती है जी इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। अबे भाई लीगल टेंडर, मतलब मेरे जैसे पढ़े लिखे बंदे को नहीं पता लीगल टेंडर क्या होता है? जो जमीन पे बंदा उसको क्या समझ आएगा लीगल टेंडर? इट इज नॉट अ लीगल टेंडर टिल सितंबर, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। पहले तो लीगल टेंडर नहीं समझ आया, उसके बाद नोट चलेगा नहीं चलेगा वो समझ नहीं आया, ठीक है, इसको जमा करना है कहाँ जमा करना है, 30 सितंबर के बाद चलेगा नहीं चलेगा, मतलब यार थिंक ऑफ योर सिटीजन एज अ कस्टमर। नो आई एम सेइंग डोंट इवन थिंक ऑफ इट कि मेरे को तुमको भलाई करनी है, भाई तुम सेल्फिश होके सोचो कि मेरे को पावर में आना है, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग ऑल द गुड स्टफ, समवेयर आई थिंक पीपल डू सम वेरी स्टूपिड स्टफ, ठीक है। UPI इज द बेस्ट थिंग टू कम आउट ऑफ दिस कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। आई विल, यू नो, विच एवर पार्टी आई ज्वाइन टुमारो, आई विल स्टिल होल्ड UPI इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी दैट हैज कम आउट ऑफ इंडिया, राइट। बट जी ये नोट चलेगा इतने बजे तक, उसके बाद नहीं चलेगा, ये मेरे को समझ नहीं आता। ये 20% TCS, अब ये क्या मतलब है यार TCS का? मतलब किसी को बंद, आप खुद बताओ, आपको यही नहीं पता कि बॉर्डर जो है वो फिजिकल बॉर्डर नहीं रह गया आज की डेट में। मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के Amazon US से कुछ ऑर्डर करता हूँ, मेरा TCS लगेगा नहीं लगेगा बताओ आप? मतलब ऐसे लगता है कि खर्चा करने टाइम भी मतलब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करा रहे हो मेरे से, इतना डिफिकल्ट काम कर दिया है। तो इट हैज़ टू सिंप्लीफाई यार, इट यू नो, एंड मेरे को नहीं चमकता है। तो टैक्स, मैं जिस दिन इलेक्शन जीता आप सबका टैक्स रेट आधा। तो पॉलिटिशियन अश्विनी ग्रोवर का पहला मुद्दा आज इस मंच से उठा है कि वो देश को टैक्स फ्री करेंगे। तो आपको अगर वोट, अपना कीमती वोट देना है तो अश्विनी ग्रोवर जी को दीजिएगा।